खुशी के लिए अभी और यहीं जो पल है वो पर्याप्त है। इसी पल में अभी यहीं हम पूर्ण संतुष्ट हो सकते हैं, पूर्ण आनंद का अनुभव हो सकता है, मगर हम कभी इस पल का आनंद ले नहीं पाते। हम भविष्य के आशा में जीते हैं, भविष्य में कुछ हो जाएगा, जब होगा तब हम खुशी होंगे। खुशी हम जब होंगे उस बात से हम खुशी नहीं होंगे, हम तो जो करेंगे खुशी होने के लिए जो हम करेंगे हमारी खुशी उस पे डिपेंड है। हमारे पास ऐसी खुशी नहीं जैसे फ्री में आपको मिली हो, जिसको प्राप्त करने के लिए आप कुछ न करना पड़ता हो। ऐसी खुशी आपको अभी और यहीं ही मिलेगी। वर्तमान का पल ही खुशी का पल, वहीं खुशी हो सकती है, वहाँ से अलावा भिन्न कहीं भी खुशी हो ही नहीं सकती। क्योंकि खुशी का क्या अर्थ है? एक आनंद, और आनंद कब होता है? जब कोई चीज़ पूर्ण होती है, जब कोई पूर्ण चीज़ उजागर होती है, अनुभव में आती है, तब ही आनंद हो सकता है और तब ही खुशी हो सकती है। मगर ऐसा तो आदमी को कभी होने वाला नहीं है भविष्य में, या कुछ पा के कुछ दूसरे साधन से ऐसी खुशी मिलने वाली भी नहीं है। किसी पद प्रतिष्ठा पैसा धन इत्यादि को पाने के कारण ऐसी खुशी मिलने वाली नहीं। हाँ, धन पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके कुछ संवेदनाएँ आएगी आपको जो रोमांचित करेगी, जो आपको एक खुशी का सपना देगी, मगर वो सपना होगा, वो क्षणिक होगी, वो लुभाएगी, मगर आपको पूर्ण खुशी वहाँ हो नहीं सकती। फिर आपको उससे ज़्यादा आवश्यक पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूर्णता नहीं आएगा तब तक आपको आनंद होने वाला तो नहीं। तो आपके पास 1 करोड़ है, 10 लाख हैं, तो आप मानेंगे कि 10 लाख तो हैं मगर ये ज़्यादा नहीं खुशी होने के लिए। तो जब करोड़ होगा तब मुझे खुशी होगी, मगर जब आप करोड़ को प्राप्त कर लेंगे तब वो आंकड़ा भी पूर्ण तो नहीं होगा। फिर आपको 10 करोड़ दिखाई देगा, 10 करोड़ मिलेगा, फिर आपको अरब दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ये संख्या कहीं भी पूर्ण होने वाली नहीं है। आपका जीवन छोटा है, निकल जाएगा, और आप वो पूर्णता कभी भी हासिल कर नहीं पाएंगे। और ये हर दिशा में है, पैसे के मामले ही नहीं, आपको पद के बारे में, प्रतिष्ठा के बारे में। तो आपको लगेगा कि अभी मैं छोटा पद में हूँ, तो बाद में मैं थोड़ा बड़ा पद में पहुँच जाऊँ तो खुशी होगी, तो आप फिर वो बड़े पद में पहुँच जाएंगे, मगर फिर उसके बड़े भी और पद होंगे, और इनकी कोई सीमाएँ नहीं। तो आप पूर्णता आपको कभी भी हासिल नहीं होगा उस रास्ते से भी। आपको संवेदनाएँ के पीछे, भावना के पीछे चलेंगे तो भी वहाँ नहीं होगा। आप जिसको प्यार मानते हो उसके पीछे चलेंगे तो इसके साथ शादी होगी तो आप खुश हो जाएंगे, तो आप उसके साथ शादी करेंगे, मगर फिर भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। फिर आप सोचेंगे कि दूसरी कोई उसके साथ आनंद हो सकता है, मगर वो भी ऐसे ही अपूर्ण ही होगी। तो अपूर्णता इसीलिए आती है हर दिशा में, ताकि वहाँ पूर्ण होने की का गुण ही नहीं, उसका वो स्वभाव ही नहीं। आंकड़ा थॉट विचार
कभी पूर्ण हो नहीं सकते, क्योंकि वो आंकड़े में चलते हैं, संख्या में चलते हैं। उससे आगे और कुछ होगा, फिर उसके आगे उससे बड़ा होगा, फिर उसके आगे और बड़ा होगा, और उसके आगे होगा, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके आगे एक क्वेश्चन कर देंगे तो फिर वो भी अपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए आदमी कभी संतुष्ट और आनंदित हो नहीं सकता, क्योंकि ये उपाय ही नहीं, जो वो सोचता है वो मिलके उसको खुशी मिलेगी, वो मिलके नहीं मिलने वाली है। जब ऐसी बात है तो फिर आपकी आशा गिर जाएगी। आशा ही हमारी सबसे बड़ा समस्या है, ये आशा ही हमको भटकाती है। आशा का अर्थ है जो लुभाती है, हमको देती नहीं है, ये मिलेगा तो आपको होगा, होगा कहती है, मगर जब वो होगा तब फिर वो कहती है इससे नहीं, इससे बड़ी उससे होगा है, तो हर पल वो यही कहेगी आपको, और आगे लेके जाएगी नरक के रास्ते पर। आशा नरक के रास्ते ले जाने की व्यवस्था है। इसलिए लोग इतने बड़ी भ्रष्टाचारी हो गए, इतने बड़े आतंकवादी हो गए, इसीलिए भ्रष्टाचारी हो गए, क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको गलत रास्ता चुनना होगा, तो आप भ्रष्टाचार के रास्ते से, गलत रास्ते से पैसा इकट्ठा करने लगेंगे, तो आप नरक के रास्ते पर चलेंगे, आपको भ्रष्टाचार का पाप भी मिलेगा और आपको फिर वो पूर्णता का आनंद कभी आएगा नहीं। ऐसे बहुत रास्ते आपको पद का, लोभ चढ़ेगा, आशा चढ़ेगा तो आप पद के रास्ते जाएंगे, मगर पद के रास्ते के जाने के लिए आपको दूसरे का पैर खिसकाना होगा, साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी होगी, तो आप कितने बुरे कर्म नहीं करेंगे उसमें, तो उसका भी आपको पाप लगेगा और आपको मिलेगा भी नहीं। तो आशा है नर्क का द्वार, मगर आशा करने की आवश्यकता ही नहीं, हमको नर्क का रास्ता जो है वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं, आशा लेने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप अभी यहीं इसी पल में पूर्णता का अनुभव करेंगे तो ये पल काफ़ी है आपको जीने के लिए। ये पल में परमात्मा है, पूर्णता है, जो पूर्णता बाहर कहीं भी नहीं मिली आपको, न पद के कारण, न प्रतिष्ठा के कारण, न कुछ और कारण, वो पूर्णता का आनंद आपको अभी यहीं आशा को छोड़ के जो है उसके साथ जुड़ने के कारण उपलब्ध हो जाए, क्योंकि ये अस्तित्व का सच है, अस्तित्व पूर्ण है और वो अभी है यहीं, भविष्य में नहीं है पूर्ण और भूतकाल में भी नहीं है। आपको भी भूत और भविष्य को छोड़ के और आशा के कारण ही आपको भविष्य आता है, अगर आशा नहीं बचेगी तो भविष्य भी नहीं बचेगा, आपको कुछ पाना ही नहीं, तो भविष्य की आप क्यों योजना करेंगे, भविष्य के कारण आप परेशान क्यों होंगे और आप कुछ भी क्यों करेंगे, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो आशा आपके, आपको इसीलिए कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको है ही, तो और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। अस्तित्व का जो पूर्णता का स्वभाव है, जो पूर्ण अनुभव है, तो वो है ही, वो अभी ही है, तो वो इतना बड़ा पूर्ण अनुभव जो कहीं जाकर भी मिलने वाला नहीं है, तो वो अगर हमारे पास अभी इसी क्षण में बैठने के कारण मिल जाता है तो कौन पागल होगा जो आशा को बीच में लेकर आएगा और नरक के रास्ते पर चलेगा। तो बात ये क्लियर है कि सुख के लिए, आनंद के लिए, ज्ञान के लिए आपको आशा करने की आवश्यकता नहीं है, आप करते हो ये आपकी मर्जी, आपको नरक के रास्ते पर जाने की आवश्यकता नहीं, आप जाते हो ये आपकी मर्जी, मगर आप रुकेंगे सत्य के साथ एक होंगे, और ये बड़ा साहस है सत्य के साथ एक होना, तो ये है कि आप आशा को ही छोड़ देंगे,
आप भविष्य को ही छोड़ देंगे, जो होगा देखा जाएगा, उसके बारे में चिंतित नहीं होंगे। और अभी इसी पल में जो पूर्णता का आनंद है अस्तित्व में, उसका आप अनुभव करेंगे और ध्यान आपको वही अनुभव करता है। इसलिए आपको ये पता है ध्यान के अलावा और कुछ भी चीज़ से आपको संतुष्टि नहीं मिलती। जो आप ध्यान करते हैं आपको पता है, जब आप ध्यान में होते हो तभी आप पूर्णता का अनुभव करते हो और आनंदित हो। उतना बड़ा आनंद आपको बाहर कहीं से भी नहीं होता है। अगर होता है तो आप ध्यान के पीछे पड़ते ही क्यों? लोग ध्यान पाने के लिए कितना कितना श्रम उठाते हैं। एक दो बार ध्यान का अनुभव होता है तो उनको ये बात पता चल जाती है कि इस तरह बैठने के कारण, वर्तमान काल में जुड़ने के कारण इतना पूर्णता का अनुभव हो जाता है और आनंद हो जाता है। तो और दूसरी चीज़ों के पीछे हम क्यों जाएं जो कभी मिलेगी नहीं? तो ये उनको पता चल जाती है। इसलिए आप वो ध्यान के पीछे बहुत बड़ा श्रम करते हैं। तो आवश्यकता यही है कि आप पूर्णता का अनुभव करें तो ही आपको आनंद होगा। और पूर्णता का अनुभव आपको कहीं बाहर किसी चीज़ से और भविष्य से होने वाला नहीं, अभी यहीं इसी क्षण अस्तित्व के साथ, अपने स्वभाव के साथ, अपने चैतन्य के साथ, आत्मा के साथ जुड़ने से। और वहाँ जुड़ने के लिए आप कुछ करना नहीं, वो है ही, वो अभी यहीं है। तो ये ध्यान का अनुभव आपको, यही आपको पूर्णता का अनुभव दे सकता है। और इसी कारण ही आपको खुशी हो सकती है, आनंद हो सकता है। और किसी भी कारण से आपको आनंद होता है, सुख होता है, तो वो सुख हो नहीं सकता, वो क्षणिक होगा, वो आशाएं होगी। आशा भी एक सुख देती है। आशा जो कभी प्राप्त आपको होगा नहीं, मगर आशा हो सकती है प्राप्त, तो इस बात से आप खुशी होते हो। आप कभी भी वस्तु को प्राप्त करने के कारण खुशी नहीं होते हो, आप आशा के कारण खुश होते हो। आशा करना भी एक खुशी हो जाती है, मगर आशा है झूठ, तो वहाँ कोई खुशी हो नहीं सकती। तो ऐसी खुशी पूर्णता के अनुभव की अनुभव के कारण ही हो सकती है। तो ध्यान आपको वहाँ ले जा सकता है। मित्रों, इस तरह की कुछ प्राइवेट ध्यान जो आपको वर्तमान काल में जोड़ सकते हैं, तो ऐसे कुछ प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियो जो आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप ऋषिकेश में होने जा रहा जून में भौतिक सत्संग में भाग लेना चाहते हैं, मेरे साथ बैठकर ध्यान करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप का लिंक पर जाकर चैट करना होगा। थैंक यू।